दोस्तों, मैं हूँ सीए देवेंद्र रहेजा। मैं आपके पास लेकर के आया हूँ एक प्रेस रिलीज़ जो गवर्नमेंट ने अभी इशू की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू की है। और ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, और अगर उनको जीएसटी निल रिटर्न फाइल करना होता है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो सकती है उनके लिए, क्योंकि उनको अब कोई बहुत लेंदी प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। अब उनको सिंपली अगर मोबाइल से अगर चाहें तो वो एक SMS के थ्रू ही अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये रिटर्न कैसे फाइल करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो नोटिफिकेशन आई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, गवर्नमेंट रूल्स आउट फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग निल जीएसटी रिटर्न थ्रू SMS। तो यानी कि सिर्फ SMS से ये काम हो सकता है। मैं बिना वेस्ट किए अपना आपका टाइम जल्दी से आपको बताता हूँ कि वो रिटर्न कैसे होती है। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये काम आपको कैसे करना है। पर ये याद रखिएगा कि ये SMS वाला प्रोसीजर आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आपका रिटर्न निल जाना हो, GSTR 3B अगर आपको निल फाइल करनी हो तो ही ये काम कर पाएंगे। और दूसरा, इसको आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही करना होगा। अगर कोई दूसरा नंबर आप इसको यूज करेंगे तो आपका ये रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा। इसके लिए करना क्या होगा, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप मैसेज बॉक्स में जाइए, वहां पे जाके टाइप करेंगे निल, कैपिटल लेटर में लिखेंगे निल, इसके बाद एक स्पेस देंगे और फिर लिखेंगे 3B। ध्यान रखिएगा स्पेस लिखना नहीं है, स्पेस देना है, NIL निल स्पेस 3B। इसके बाद अपना GSTIN नंबर लिखना है आपको, और जो भी पीरियड है आपका, जो भी टैक्स पीरियड जिसके लिए आप कर रहे हो, जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल में लॉकडाउन था तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस बंद थे, तो अप्रैल अगर आपको लिखना है तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, अप्रैल के लिए 04 और इसके बाद 2020 हमारा ईयर है। वैसे अगर मई के लिए भरना है जैसे आप यहाँ बगल में देखिए तो 05/2020 लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको यह देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा GST नंबर आपको यहाँ पे लिखना है और इसके बाद स्पेस दे करके आपको टैक्स पीरियड लिखना है जिसका आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। ऐसा करने के बाद आप इसको सेंड कर दोगे 14409 पे। ध्यान रखिएगा 14409 पे आप इसको सेंड कर दोगे। सेंड करने के कुछ देर के बाद आपके पास 6 डिजिट का एक कोड आएगा। याद रखिएगा वो कोड कंफर्मेशन कोड है कि हाँ ठीक है आपका रिटर्न निल ही जाएगा। आप उसके लिए क्या करिएगा, कैपिटल लेटर्स में फिर से जाइएगा और CNF लिख दीजिएगा, यानी कि कंफर्म कर दीजिएगा कि यस CNF, स्पेस दीजिएगा और वो जो 3B लिख दीजिएगा और इसके बाद जो भी आपको कोड मिला है उस कोड को मेंशन कर दीजिएगा। जैसे आप नीचे देखिए तो एग्जांपल आपको दे रखा है। इसको भी आपको सेम उसी नंबर पे SMS करना होगा 14409 पे। इसको SMS करते ही कुछ देर के अंदर आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि यस योर GST इज फाइल्ड और आपका ARN नंबर ये है। इसके बाद अगर आप चाहो तो आफ्टर 30 मिनट्स या 1 आवर आप जा करके उसको फिर रिकन्फर्म कर सकते हो अपनी साइट पे अगर आप चाहो तो, नहीं तो दैट इज मोर देन एनफ कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है। बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ है। ये काफ़ी दिनों से प्लान की जा रही थी बट कभी हो नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने बता दिया कि आखिर इसका प्रोसीजर क्या होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और इसको यूज़ भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।